करने निकले तो बड़ा किलोमीटर दूर ग्राम धबा बावड़ी के वन क्षेत्र में दूर एक पेड़ पर दोनों का शव एक ही रस्सी से लटका हुआ मिला। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मौके पर FSL की टीम भी पहुंची और घटनास्थल पर छानबीन की। शहर कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश कुशवाहा ने बताया कि मुकेश पिता गंगाराम अलावे ग्राम सुस्ती खेड़ा के निवासी हैं, जो आनंद नगर रूम से निवास कर रहे थे। कल मुकेश और इनके साथ रह रही नाबालिग लड़की कल से लापता थे। परिजनों की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा इनकी कल से तलाश की जा रही थी। आज रविवार सूचना प्राप्त हुई कि धब्बा बावड़ी के जंगल में फांसी लगाकर दोनों शव मिले हैं, जिनकी सूचना पर मर्ग कायम कर दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। जी भी सूचना मिली कि हमारे क्षेत्र की लड़की अकलवारा की है। सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे कि इसकी 6 महीने पहले सगाई सुस्ती खेड़ा में हुई थी और इनके द्वारा कुछ थाने पे भी आवेदन निवेदन किया गया था। ग्रामीणों द्वारा मुझे सूचना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम चाहते कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए, हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। देखो अभी तो दोनों वहां पर सुसाइड की अवस्था में मिले हैं, लेकिन ये मांग करते पुलिस प्रशासन इस प्रेस वार्ता करके खुलासा करे कि दोनों को मरने का कारण क्या रहा है, ये मांग करते हैं। ये ढाबा बावड़ी के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पाया गया है। हाँ कुछ कागज मिला है अभी ग्रामीण, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से वो चल रहा है वहाँ पर कि उनके व्हाट्सएप से स्टेटस रखा गया है कि इनके इनके द्वारा कुछ नाम भी बताया गया है कि इनको ऊपर आरोप लगाया है। अब जो भी हो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए, इसमें हम ये मांग करते हैं। ये मुकेश पिता गंगाराम अलावे सुस्ती खेड़ा के निवासी हैं, आनंद नगर में निवास कर रहे थे। कल ये और एक नाबालिग लड़की घर से बिना बताए आनंद नगर बड़वानी से गए हुए थे। इनकी सूचना पर थाना बड़वानी से दोनों इंसान कायम होकर पुलिस और परिजनों के द्वारा इनकी तलाश की जा रही थी। आज सूचना प्राप्त हुई कि दावावाड़ी के जंगल में झाड़ से फांसी लगाकर शव मिले हैं। इनके सूचना पर मर कायम किया जाकर दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मर कायम किया जाकर जाँच में सुसाइड नोट और जो भी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। जैसा भी साक्ष्य आधारित होगा आगे कार्रवाई की जाएगी।